गार्डन को ग्रो करना चाहते हैं, और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, और ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स प्लांट के सिलेक्शन को लेकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस टाइप के प्लांट अपने गार्डन के लिए सेलेक्ट करने चाहिए जो लो मेंटेनेंस के हों और लॉन्ग टर्म में चलने वाले हों, स्पेशली जब हम गार्डनिंग में नए नए हैं, बिगिनर हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शालिनी चौधरी। आज मैं कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो गार्डन में बहुत हार्डी प्लांट हैं और लो मेंटेनेंस के प्लांट हैं, लॉन्ग टर्म में चलने वाले प्लांट हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट प्लांट है वो है यूफोर्बिया मिली। यूफोर्बिया मिली को क्राउन ऑफ थ्रोन भी बोला जाता है। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही हार्डी डेजर्ट का प्लांट है और ये प्लांट जो है फॉलीज के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट भी है। ये विंटर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसके फ्लावर के कई सारे कलर आते हैं यूफोर्बिया मिली के। इसमें जैसे ये रेड कलर का फ्लावर है, इसमें पिंक शेड में भी आता है, थोड़ा येलो शेड में भी आता है, वाइट शेड इसकी रेयर वेराइटी होती है जो रेयरली नर्सरी पे मिलता है। ये जो प्लांट है बहुत इजी टू प्रोपोगेट है, ये कटिंग से भी आसानी से लग सकता है, तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लांट आता है वो है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट जो होता है वो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और एक सैक्यूलेंट प्लांट है, तो इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें पानी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये प्लांट जो है अपनी मेडिसिनल वैल्यूज़ के लिए बहुत ही फेमस प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये प्लांट जो होता है एक बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर भी होता है, तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लांट है जो आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है। ये जो मेरे हाथ में है ये एक डॉफ वेराइटी है। ये देखिए देखने में कितना सुंदर होता है ये प्लांट। ये प्लांट बहुत अच्छा एयर प्यूरिफायर भी होता है और बहुत लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, तो बिगिनर के लिए ये बहुत बेस्ट प्लांट है अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए। इस प्लांट के लिए आपको ज़्यादा सनलाइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस प्लांट को आप आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है अगेव का प्लांट। अगेव का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये एक डेजर्ट का प्लांट है, तो इसकी देखरेख भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। ये कई सारी वैरायटीज़ में आता है। मेरे पास ये सिंपल वाला अगेव है। इसकी लीफ इस तरह से ये कमल की तरह ऐसे ही खिली हुई रहती हैं। ये देखिए आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, थोड़ी पॉइंटेड होती हैं, शार्प एंडेड होती हैं इसकी लीफ। इस प्लांट में जब ये प्लांट थोड़ा अच्छे से ग्रो कर लेता है तो इसमें फ्लावर भी आते हैं वाइट कलर के। इस प्लांट में इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक वैरायटी आती है उसकी लीफ में थोड़े स्पाइंस निकले होते हैं, तो ये मेरे पास सिंपल वाली वैरायटी है। तो ये बिगनर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट के लिए ज़्यादा देखरेख नहीं करनी होती है, इसे नॉर्मल पॉटिंग मिक्स में आप लगाएंगे तो ये आसानी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट आता है वो है अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट जो है ये भी बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और इस प्लांट को बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हो, नॉर्मल पॉटिंग मिक्स में लगा सकते हो और बाय कटिंग भी ग्रो कर सकते हो। इवन जो ये प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट मैंने इसके मदर प्लांट से कटिंग करके ही लगाया है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना घना ग्रो हो रहा है। जो अजवाइन का ये प्लांट है इसके बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप हैंगिंग बास्केट में अजवाइन को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही हार्डी वेराइटीज़ थी प्लांट्स की। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं तो ये सारे ही प्लांट आप आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये सारे ही प्लांट बहुत लॉन्ग टर्म में और बहुत लो मेंटेनेंस में आपके गार्डन में चलने वाले प्लांट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।